हेलो फ्रेंड्स, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे सामने आ चुकी है कि एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ हमारे कंप्लाइंसेस हैं, फाइलिंग्स हैं, बहुत सारी ड्यू डेट हमारे सामने हैं। बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी भी है कि कहीं कोई ड्यू डेट्स क्रॉस ना हो और कहीं कोई कंप्लाइंसेस का उल्लंघन ना हो। तो इसीलिए मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए इस वीडियो के जरिए से बताना चाहूंगा कि अगर आपने दो कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड में अगर आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ईवे बिल ब्लॉक हो सकता है, ईवे बिल की जनरेशन ब्लॉक हो सकती है। ये बात मैं लेकर के चलता हूं नोटिफिकेशन 74/2018, वहां पे ये रूल 138E को इंट्रोड्यूस किया गया सरकार। उसके बाद इसकी डेट नहीं आई थी, 22 नोटिफिकेशन बटा 2019 के तहत बताया गया था 21 जून 2019 को ये आपका रूल 138E एप्लीकेबल होगा। किनके लिए एप्लीकेबल होगा? जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, अगर उन्होंने अपनी दो कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो इनकी ई वे बिल की जनरेशन ब्लॉक हो जाएगी। आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ना सामने वाली पार्टी आपको ई वे बिल जनरेट करके दे सकती है कहीं, क्योंकि वहां पे ब्लॉकिंग सिस्टम आ जाएगा। अब ई वे बिल बनना शुरू हुए, ब्लॉक होना शुरू हुए 21 जून 2019 के बाद से, बहुत सारे लोगों की आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आपके क्लाइंट की हो सकती है कि ई वे बिल ब्लॉक होना शुरू हुआ। बट समहाउ बीच में ही कोविड आया तो सरकार ने बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स दिए कि 20 मार्च 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक हमने जो कंप्लाइंसेस है उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब 31 अगस्त तक आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई नोटिस या ई वे बिल की ब्लॉकेज नहीं आएगी, क्योंकि समहाउ कोविड की सिचुएशन है, रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। बट अब हम रेगुलर रूटीन में आ चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की ताजा मीटिंग में बताया गया है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना चाहते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। ऑब्वियसली उनके लिए सरकार ने कहा है कि आपकी जो मंथली पेमेंट है वो आपकी मंथली होगी, बट जो आपकी रिटर्न होगी वो क्वार्टरली फाइल होगी। सिमिलर उसी तरीके से सरकार ने उसी के पहल पे अब जीएसटीएन की एक मेल आ रही है जिसके अंदर साफ साफ कहा जा रहा है कि देखेगा, जीएसटी काउंसिल ने बताया गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना चाहती है 5 करोड़ से नीचे वाले को, बट हम अब क्या करना चाह रहे हैं कि ई वे बिल की ब्लॉकिंग। अगर आपने अगस्त 2020 तक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगस्त 2020 तक अगर आपने दो टैक्स पीरियड की रिटर्न, इसका मतलब जुलाई और अगस्त या उसके पीछे दो या दो से ज्यादा की टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है, जिनका टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और अगर आप में से किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केसेस में ध्यान से सुनिएगा, जीएसटीएन वाला टर्नओवर, ध्यान से सुनिएगा, पैन बेस्ड टर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज को समझना कि पैन बेस्ड जीएसटीएन पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली वो वही पिक करेगा, उसके पास नहीं पता कि बुक्स में आपकी टर्नओवर क्या है। तो आपका या आपके शुभचिंतक का अगर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और अदर देन कंपोजिशन के लिए अभी कोई सरकार ने कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं कहा है, ऑब्वियसली जीएसटीएन की मेल पे स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि अगर अदर देन कंपोजिशन आप हो और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका है, वो भी पैन बेस्ड और टू कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है इंक्लूडिंग अगस्त 2020 आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा अगेन कि 15 अक्टूबर के बाद से अगर कभी ऐसा सिस्टम में देखने को मिला कि अगर किसी जीएसटीएन की अगर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और अदर देन कंपोजिशन है और उसने दो कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो उस केसेस में उसका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। आइदर द कंसाइनी ट्रांसपोर्टर, आपका कुरियर एजेंसी, कोई भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा इस जीएसटीएन से रिलेटेड। सो एडवाइस ये की जाती है कि आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल करें, और अगेन ध्यान से सुनिएगा, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो ईडब्ल्यूबी पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराया है, साथ के साथ जिन्होंने अपनी रिटर्न को फाइल किया है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके केसेस में ये ब्लॉकिंग की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। सो
अगर आपको कोई भी क्वेरीज टॉपिक इस वीडियो या कोई भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. वी आर रेडी टू सॉल्व योर क्वेरी एट द अर्लीस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.